वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का सलूशन देंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 किया हुआ है। इसका मतलब कांस्टेंट में आपके नंबर के हर डिजिट आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, सभी नंबर क्या है, कांस्टेंट है। जो नंबर फिक्स होते हैं, जैसे 1, 2, ये सब क्या है, सब फिक्स नंबर हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में हमें नंबर दिया हुआ है, तो हम उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। हम बात करें वेरिएबल की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, RSTUVWXYZ। जनरली हम वेरिएबल को इनसे डिनोट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाले हैं। जैसे x का वैल्यू आपका किसी भी क्वेश्चन में कभी मान लीजिए 5 आता है, कभी x इक्वल टू 6 आता है, कभी 100 आता है, कभी 500 आता है। तो ये सब क्या है, जो हम लोग किसी क्वेश्चन में किसी भी वेरिएबल के हम लोग का जो आंसर आता है वही क्या है, वेरिएबल है। मतलब एक्स जो है वो अपने जगह पर 5 भी पुट कर सकता है, 6 भी पुट कर सकता है, 100 या 500 कुछ भी पुट कर सकता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x+3=9। अब यहाँ पर आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2x=9-3 हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, 6/2=3। तो x का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है। ऐसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3x+13=, तो ये हो गया आपका x=16/3 हो गया। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इक्वेशन में आपका x 3 आया यहाँ पर, और यहाँ पर x क्या आया है, 16/3 आया है। तो मतलब अलग अलग इक्वेशन में आपका अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पर जो 2 दिया है या फिर 3 दिया है या फिर 9 दिया हुआ है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 13 या फिर 29 दिया हुआ है, तो इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर x दिया हुआ है, तो x के जगह पर आप y या फिर z, uv कुछ भी आप रख सकते हैं। तो कुछ भी आप रखेंगे, तो अगर आप y रखते हैं तो x के जगह पर क्या आएगा, y=3 आ जाएगा। अगर आप x के जगह पर z रखते हैं तो आपका z आएगा 3। तो वेरिएबल चेंज होगा तो वैल्यू सेम आएगा, लेकिन आप जो नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 9, इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर जो 3, 13, 29 दिया हुआ है, इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और जो चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पर अगर आप वाई रख दें अगर, तो अभी 16/3 ही आएगा। अगर जेड रख दें तो अभी 16/3 आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, ये सब चेंजेबल है, लेकिन ये जो नंबर है वो सब चेंजेबल नहीं है। तो ये क्या है, ये सब कॉन्स्टेंट है, और ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। चलिए अब बात करते हैं कोफिशियंट की। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है x²+2x+5 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3y⁻⁷+2y⁻⁶+6x²+u⁴⁵। अब पूछा है कोफिशियंट के बारे में। देखिए कोफिशियंट क्या होता है, वेरिएबल का जिसमें भी जिस भी कांस्टेंट में प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x², तो अगर हम इसको x² को हम लिख सकते हैं 1 × x², तो x² के साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है, 1 प्रोडक्ट हो रहा है। तो x² का जो कोफिशियंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 क्या है, कोफिशियंट ऑफ x². जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, तो x के साथ क्या है, 2 है, तो यही क्या है, कोफिशियंट है, किसका, कोफिशियंट ऑफ x का कोफिशियंट है। तो यहाँ पर क्या है, y⁻⁷ का कोफिशियंट 3 है, y⁻⁵ का कोफिशियंट 2 है, x² का कोफिशियंट 6 है, u⁴ का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 हो जाएगा, और 5 तो कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एनी इक्वेशन x²+2x+5 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने टर्म है, x², 2x और 5, यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो देखिए जब भी किसी इक्वेशन में आपका एक टर्म आएगा, द इक्वेशन हैविंग ओनली 1 टर्म उसको बोलेंगे मोनोमियल, द इक्वेशन हैविंग 2 टर्म उसको बोलेंगे बाइनोमियल, द इक्वेशन हैविंग 3 टर्म उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल,
और अगर चार टर्म होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, और इन सबको हम साथ में बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे दस हो, चाहे सौ हो, कितने भी टर्म हो, हम लोग उनको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब बात आती है डिग्री की, तो लिखा हुआ यहाँ पर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 2y^4 प्लस वाई का क्यूब प्लस 6y^2 प्लस वाई प्लस 5। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है y^4, यहाँ पर है वाई क्यूब, यहाँ पर है y^2, यहाँ पर है y। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? y^4 का है। तो यही क्या होगा आपका? डिग्री हो जाएगा। y^4 क्या होगा? डिग्री होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए x^2 + 2x³ + 9x^9 प्लस 3 दिया हुआ है आपका। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है x^2, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x^9 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? x^9 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनोमियल्स को पहचानने की। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिटरमिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफिनेशन दिया हुआ है, इफ द वेरिएबल्स हैव होल नंबर ऑफ पावर और एक्सपोनेंट देन इट विल बी ए पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। वेरिएबल्स हैविंग फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें वेरिएबल पर पावर जो होगा वो होल में होगा। अगर किसी भी वेरिएबल में पावर फ्रैक्शनल में है या फिर नेगेटिव में है तो वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो है, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, ये सब क्या है? ये सब होल नंबर है। जैसे आपका अगर दिया रहे 2y^2, जैसे यहाँ 4 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1/4 दिया होता, भले ही आपका वाई क्यूब हो प्लस 6y² हो प्लस वाई हो प्लस 5 हो, लेकिन इसमें से किसी में भी, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी एक वेरिएबल में अगर होल नंबर की जगह फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ऐसे ही आपका अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होता। या फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी वेरिएबल हो उसमें होल नंबर हो तो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर पावर जो है वो फ्रैक्शनल में या फिर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और हम लोग उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हमने आपको बताया है कि अगर एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, ऐसे यू है, वी है, डब्ल्यू, तो ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा है? एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्स है, मतलब दोनों एक टाइप के वेरिएबल है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वाई है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जो वाई है वो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये तो वन वेरिएबल में है, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टी का रूट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टी का रूट है। इसका मतलब क्या हो गया? t^1/2। तो किसी भी वेरिएबल पर जब पावर होल नंबर नहीं होता है या निगेटिव में होता है तो क्या होता है? वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो वन वेरिएबल में है लेकिन ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वाई, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी वाई है, लेकिन देखिए लिखा हुआ है y+2y, इसका मतलब हो गया y+2y का इन्वर्स हो गया, क्योंकि देखिए y जो है नीचे है, जब ऊपर आएगा तो y का इन्वर्स हो जाएगा। तो y पर यहाँ पर क्या है? पावर -1 है। और हमने आपको बताया कि अगर किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर में नहीं है या फिर अगर फ्रैक्शनल में या फिर निगेटिव इंटीजर में है तो क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आपका वन वेरिएबल में तो है लेकिन आपका वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? वाई है, और यहाँ पर टी है, और तीनों का पावर क्या है? होल नंबर में है। तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो क्या है? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल में है। क्या है? थ्री वेरिएबल में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमें बताना है हर क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले जब कोई भी नंबर ना हो, किसी भी वेरिएबल के पहले जब कोई भी नंबर ना हो तो उसमें वन छुपा होता है, तो इसका कोफिशियंट क्या है, वन है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, वन छुपा रहेगा, तो वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशियंट क्या हो गया, माइनस वन, और यही इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा हम लोग को कोफिशियंट जो है वो साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ पाई बाई टू एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशियंट क्या है, पाई बाई टू, और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है रूट टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको हम मान लेंगे जीरो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, जीरो है, तो इसका यही आंसर हो गया जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है गिव वन एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 होगा, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होगा। अब हमने आपसे बोला कि अगर बाइनोमियल है तो उसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें दो टर्म्स होते हैं, और अगर मोनोमियल है तो उसमें आपका एक टर्म होगा। तो हमको बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल, और क्या बनाना है, मोनोमियल बनाना है। तो देखिए बाइनोमियल का हमको चाहिए डिग्री 35, तो हम मान लेते हैं x टू पावर 35, ये क्या हो गया, 35 डिग्री का हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनोमियल, तो मतलब दो टर्म होना चाहिए, तो एक टर्म ये हो गया और प्लस कुछ भी लिख देंगे, जैसे आपका हो गया 35, तो ये क्या हो गया, आपका बाइनोमियल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे आपका y टू पावर 35 प्लस 33 यहाँ पर लिख दिया y, तो ये भी क्या है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। मोनोमियल में आपका चाहिए एक टर्म और इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो आप ले लेते हैं मान लीजिए x टू पावर 100, ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेंगे 100 y टू पावर 100, या फिर 2 t टू पावर 100, या फिर 16 x टू पावर 100, ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है हर पॉलिनोमियल का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x, तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और उस पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आपका 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर टू है 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल है आपका वाई और उसपे पावर क्या है, स्क्वायर का, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है 5t माइनस रूट 7, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5t माइनस रूट 7, तो इसमें एक ही वेरिएबल है टी जिसपे पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका डी इक्वल्स टू 1। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हमें बताना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, और कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ और यहाँ पे प्लस एक्स का पावर क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर पावर 1 होगा और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, एक्स का क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको हमने बताया था कि अगर एक पावर है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर 2 है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया क्वाड्रेटिक, यहाँ पर हो गया क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ है y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4,
तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स यहां पर पावर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 3t है, तो t क्या है, t की पावर यहां पर 1 होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका लीनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है r का स्क्वायर है, तो पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपका 7x का क्यूब, तो यहां पर पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।